अपने एक फ्रेंड है होशंगाबाद में, जिन्होंने अपने लिए टिफिन भेजा है बुधनी घाट में आके पर्सनली दिया था। गाइस आज उन्होंने ये टिफिन भेजा है, तो अब अपन देखते हैं इस टिफिन के अंदर क्या क्या है। रोहित ध्रुवे RC 200। नहीं नहीं और भाई मिले हमें, क्या नाम है भी आपका? लोकेश। यही बुधनी से या मंडीदीप से हो? राजस्थान से हो? हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोहित ध्रुवे RC 200 पर। और गाइस अभी अपने चैनल पर 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, और गाइस ये सब आपके सपोर्ट से ही हो पा रहा है जो भी मेरे चैनल पे ग्रो हो रहा है। और आज अपन चल रहे हैं एक छोटी सी राइड के लिए भोपाल की ओर। तो गाइस अपन को भोपाल में थोड़ा काम है, और आज सैटरडे है अगर अपन लेट हुए, और कल संडे है तो संडे के दिन भोपाल का मार्केट बंद रहता है। तो गाइस अभी अपन जल्दी जल्दी चलते हैं भोपाल की ओर और अपने जितने भी काम हैं निपटाते हैं, और अगर हो सके तो आज रात को ही अपन वापस आ जाएंगे घर। तो चलो गाइस चलते हैं भोपाल की ओर। और भाई ये अभी अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है, और ये बकडोना का माहौल कुछ इस तरीके से। सैटरडे के दिन हमारा पूरा बकडोना ऑफ रहता है, पूरा बकडोना खाली खाली लग रहा है, और ये पूरी शॉपें बंद लग रही है। आपको पूरा बकडोना बंद है आज, आधे से ज़्यादा शॉप। चलो गाइस अपन चलते हैं फटाफट और निपटाते हैं अपने काम आज। और भाई अभी मैं ये अंदर साइड से जा रहा हूँ, मतलब सालढाना के अंदर साइड से, और बरेठा साइड से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि उधर से लंबा है, और अभी इधर की भी रोड अच्छी बन चुकी है, तो मैं अभी इधर साइड से जा रहा हूँ। और ये जो पट्टी दिख रही है जय माता दी वाली, ये भाई अपन हमेशा मिरर पर बांध के रखते हैं, क्योंकि इससे मेरे को पॉजिटिविटी आती है, और बहुत अच्छा लगता है जब गाड़ी चलती है और ये उड़ता है तो। और ये आज ही अपन ने बदला है, मतलब अरविंद भाई ने अपन को बदल के दिया है। अपन ने जो वैष्णो देवी से जो पट्टी लाई थी जय माता दी वाली, उसको आज अपन ने अपने ये मिरर पर बांध दिया है, क्योंकि पुराना वो जो पहले वाला था वो थोड़ा पुराना लगने लगा था, तो अभी अपन ने बदल दिया है। इधर के नज़ारे देखो गाइस कितने तगड़े हो रखे, एकदम अलग ही मज़ा आ रहा है इधर के व्यू देख के, ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम मस्त। भाई अभी मैं ये शाहपुर की छोटी छोटी गलियों से होकर निकल रहा हूँ, अंदर ही अंदर अपन को ब्रिज के पास निकलना है, और तुक्के में निकलते भाई, है ना, कोई कंफर्म रोड नहीं है अपन को पता इधर की, फिर भी तुक्का मार लेते हैं और निकल जाते हैं। और ये निकल गया है रोड पे भाई, ये अब अपन उतार में आ गए, और शाहपुर की माचना नदी के पुल पे आने वाले हैं अभी अपन, और ये पहुंच चुके हैं पुल के पास, और यहाँ से अब अपन खुर से हो जाते हैं। और मुझे लग रहा है यार कुछ दिनों बाद अपन को इधर भी आने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन को जब इधर से निकलना रहेगा तो बाईपास बन चुका होगा जो कि उधर कहीं से बनेगा। और अरे बन ही गया यार, चालू हो गया भाई पुल, देखो भाई तो पुल बन चुका है, और कुछ दिनों बाद अपन को उधर से आएंगे ऐसा लग रहा है मेरे को। और भाई अभी अपन आ चुके हैं ये भौरा और सुखतावा के बीच में, और यहाँ की रोड इतनी तगड़ी है कि क्या ही बताऊँ, काश भोपाल तक रोड ऐसी हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा गाइस, इतना मज़ा आ रहा है कि बता नहीं सकता आप। और बहुत देर से देख रहा हूँ कि एक भैया अपन को पलट पलट के देख रहा है, तो चलो चलते हैं उसके पास, बाय। और भैया खुश हो गया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है अपन को उसके फेस में स्माइल ला के, और बहुत देर से पलट पलट कर देख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके पास चलते हैं। और फिर उस देखो गाइस क्या लग रहे हैं यार, बाकी रोड में मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पे नाम मात्र का 4 लाइन बन चुका है ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि इतने जल्दी रोड उखड़ चुकी है कि क्या बताऊँ आपको। अपन मतलब एक स्पीड से नहीं चल सकते इस रोड पे, क्योंकि बहुत जगह गड्ढे हो चुके हैं गाइस। और भाई अभी हम लोग ये आ गए हैं नर्मदा नदी पे, और बहुत दिनों बाद दर्शन हुए अपन को अपने नर्मदा मैया के, और ये अपनी फेवरेट नदी है गाइस, मतलब मेरे को सुकून मिलता है इस नदी में आकर, मतलब इस नदी को जब मैं देखता हूँ तो मुझे पॉजिटिविटी आती है भाई, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के नज़ारे देखकर। और ये अपनी फेवरेट नदी है, बहुत दिनों बाद आए अपन, मतलब अभी अपना कहीं जाना नहीं हो पा रहा था बारिश के कारण, और आज बहुत दिनों बाद निकल गए अपन एक लॉन्ग ड्राइव पे, और मज़ा आ रहा है अपन को, अपन अकेले हैं। और भाई
भाई नहीं रहता, लेकिन अभी बरसात के टाइम में तो भाई इतने तगड़े नज़ारे हो रखे हैं यहाँ के कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। देख रहे होंगे गाइस आप लोग, मतलब बहता हुआ पानी और पत्थरों के बीच में एकदम खलखल आवाज करता हुआ, मज़ा आ जाएगा गाइस। यहाँ पे अपन के खाना खाने वाले हैं, क्योंकि अभी अपने लिए होशंगाबाद से एक टिफिन आया हुआ है उतनी घाट पर, और अब अपन सब खाते हैं और फिर चलेंगे भोपाल की ओर। लग गई थी मेरे को। और भाई ये है बुधनी घाट के साइड वाला पहाड़, जहाँ पे कहीं धूप दिख रहा है तो कहीं छाया, और बहुत तगड़ा व्यू लग रहा है यार। एक आध दिन मैं घूमने जाऊँगा इधर, अगर कहीं कोई मंदिर वंदिर है मैंने सुना है, और वहाँ घूमने जाऊँगा भाई, लेकिन अपने भाई लोगों के साथ जाऊँगा क्योंकि तो खतरनाक जगह दिख रही है। और अभी अपन ने ये पहला स्टॉप ले लिया है बुधनी घाट पे, और ये अपनी बाइक। और गाइज यहाँ पे पानी अभी बहुत कम जा रहा है, यहाँ तो मज़ा नहीं आ रहा अपन को उतना। बाकी अभी अपन यहाँ पे बैठकर खाना वाना खाते और फिर निकलेंगे अपन भोपाल के लिए। और अपनी हालत देख रहे हो, मुझे बेकार हो चुकी है भाई, मतलब पूरा एनर्जी ख़त्म अपनी। और अभी बज रहे एक, 3 बजे तक अपन को भोपाल पहुँचना है। और भाई फाइनली अभी अपन यहाँ बुधनी घाट पर एक प्लेस पर बैठ चुके हैं, और यहाँ मैं खाना खाने वाला हूँ। अपने एक फ्रेंड है होशंगाबाद में, जिन्होंने अपने लिए टिफ़िन भेजा है बुधनी घाट में, आके पर्सनली दिया था गाइस। और मतलब आज उन्होंने ये टिफ़िन भेजा है, तो अब अपन देखते हैं इस टिफ़िन के अंदर क्या क्या है। चलो टिफ़िन खोल के बताता हूँ आपको। और भाई ये पहले डब्बे में क्या देखते हैं, ओ भाई खीर है, ये तो सेवई सेवई है सेवई भाई। और तेरी दो अचार भाई अलग अलग है यार। तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले डब्बे में देखते हैं क्या है भाई। अरे इसमें भी सेव वही है, वाह यार दो डब्बा भर, इतना कौन खाएगा। और अबे चम्मच दो भिजवाया यार भाई, चम्मच एक किसके लिए भिजवाया। और ये पराठे गाइस, पराठे मेरा फेवरेट है भाई पराठा तो। और ये क्या है भाई, पॉपकॉर्न। और ये पानी की बॉटल भी। तो गाइज अब अपन यहाँ पर खाने वाले हैं खाना, और फिर निकलेंगे भोपाल की ओर, क्योंकि अभी अपन लेट भी हो चुके हैं। और अपनी हालत देखो गाइज, हालत की बैंड बच चुकी है, और बस मेरे को यही सुकून चाहिए यार, चाहिए। मैं मतलब ऐसे ही ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, और मतलब अपन को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस ऐसा सुकून हो गाइज कि अपन कहीं बैठे और मस्त खाना खा रहे हैं, और अपनी गाड़ी में बहुत सारा पेट्रोल हो, और अपने साथ अपनी गाड़ी हो, और कोई नहीं चाहिए ज़िंदगी में, बस इतना सा, इतनी सी चीज़ चाहिए अपन को ज़िंदगी में भाई। नज़ारे देखो आप, नज़ारे मतलब इतना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठने में, मेरे को मैं बता नहीं सकता हूँ। बस थोड़ी सी फट रही है कि भाई मैं अकेला हूँ, इसीलिए कोई एक और साथ में रहता ना तो मज़ा आ जाता सपोर्ट के। और भाई ये अचार के नीचे देखो, ये सब्जी है भाई, एकदम भिंडी मसाला। और गाइस मैं सब्जी देखा ही नहीं था, और कुछ थोड़ा सा रोटी खा लिया था, तो मैंने देखा कि यहाँ 3 डब्बे हैं, फिर उसको भी खोला तो सब्जी मिल गई। अब मज़े ही आ जाएगा, मैं वही सोच रहा था कि भाई अचार पराठे भेज दिए और अचार, और सब्जी तो भेजी ही नहीं, लेकिन अब मज़ा आ जाएगा गाइस। और अभी अपन निकल चुके हैं भोपाल के लिए, और खाना वाना सब खा लिया है अपन ने, और अभी अपन जल्दी जल्दी चलते हैं भोपाल की ओर, नहीं तो आज का दिन अपन ख़राब कर देंगे। और भाई अभी हमको यहाँ पे ये मंडी दीप वाले पेट्रोल पंप पर 2 भाई लोग मिले, क्या नाम है भैया आपका? मुकुल। मुकुल भैया, और आपका? हितेश। मेरा नाम रोहित दुर्वे, बैतूल से हूँ मैं। बैतूल से। और भैया लोग मतलब वहाँ खड़े थे, मेरे को देखकर मेरे पास आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा भैया लोगों से मिलके, और मतलब भैया लोग खुद आए तो भाई अलग ही फीलिंग आती है। नहीं आप लोग बहुत लाइक करता हूँ मैं, मतलब जब भी निकलते हैं ना अच्छा लगता है। ये है मेरा चैनल इधर साइड, रोहित दुर्वे RC 200। और ये एक और भाई मिले हैं, मैं क्या नाम है भी आपका? लोकेश। लोकेश यहीं बुधनी से या मंडी दीप से हो? राजस्थान से हो। बूंदी से। बढ़िया भैया, दिख गए मुझे दागे। नहीं नहीं आना चाहिए यार, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो बढ़ेंगे हम। सपोर्ट है हमारा यार आपसे। थैंक यू भाई, ठीक है ठीक, मिलते हैं कभी फिर। हाँ बिल्कुल। रोहित दुर्वे RC 200। रोहित दुर्वे RC 200। ठीक है चाय नहीं नहीं चाय वाय रहने दो यार भाई। नहीं नहीं परेशान नहीं यार, आप लोग अगर ऐसे आते हो ना तो हमको अच्छा लगता है, परेशान वरेशान की कोई बात नहीं है, आप लोगों के बिना हम लोग कुछ थोड़ी ना है।
और भाई अभी हम लोग यहाँ पे मंडी दीप पे थोड़ा नाश्ता करने के लिए रुके थे, तो अभी अपन को यहाँ तीन भाई लोग मिले हैं। हाय गाइस, क्या क्या नाम है भाई आपका? कनिष्क। क्या? कनिष्क। कनिष्क। साहिल। कनिष्क। कनिष्क। अरे दो दो कनिष्क यार। तो भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना? लाइक और सब्सक्राइब। हाँ, और भाई लोग अपन को देख कर अपने पास आए तो अपन को बहुत अच्छा लग रहा है। भाई को फुल सपोर्ट देना। हाँ भाई, थैंक यू। ठीक है, और अभी ये तीन भाई लोगों को देख के ये चार भाई लोग और आ गए। नाम बताइए भाई आप लोगों का। प्रिंस। हाँ ठीक है भाई, करना भाई साउंड सुनना है। तो भाई अभी हम लोग ये भाई लोगों की डिमांड पे भाई लोगों को साउंड सुना रहे अपनी बेबी का। ठीक है, एग अभी तो 2000 कंप्लीट हुए हैं आपके। रोहित ध्रुवे RC 200। रोहित ध्रुवे RC 200 पीछे लिखा है, देख लो। मेरा भी नाम पंगा भाई है। नाम बताइए आपके, इधर सामने आइए। और पंगा भाई है। पंगा भाई भगवान जी की जो गलती शॉर्ट वीडियो। हाँ ठीक है, तो भाई भाई के भी चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ ठीक है, खींच लो। ठीक है, थैंक यू भाई लोग, है ना? और फ्रेंड्स, ये अभी अपनी एंट्री हो चुकी है भोपाल में। अपन चलते हैं पहले अशोक गार्डन या प्रभात तरफ, और फिर वहाँ चलकर प्लान बनाइए कि करना क्या है, मतलब सबसे पहले कौन सा काम निपटा है, फिर उसके बाद क्या करें। और भाई अभी बहुत देर से गाड़ी कंटिन्यू चला चला के मेरी कमर दर्द देने लगी। पता नहीं पहली बार थकान हो रही है मेरे को, नहीं तो अभी तक जैसे मैं इससे भी लंबी लंबी राइड कर देता था मेरे को थकान ही नहीं हो पाती थी। और आज मैंने कहा तो खाना भी मिल गया है आज रास्ते में फिर भी, और बाकी दिन तो मेरे को खाना भी नहीं मिलता था, फिर भी मैं थकता नहीं था। थकता है खाना खाने के कारण ही आलसी आ रही है। हाय, और भाई मैं अभी यहाँ पर आ गया था प्रभात चौक पर, और ये अपने मनोज भैया अभी अपन को लेने आए हैं, और ये आशीष भाई जो कि अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे रूम, और हम भैया के साथ जा रहे हैं थोड़ा घूमने भोपाल। चलो गाइस चलते हैं, अभी घूमते हैं थोड़ा और फिर आपको बताते हैं। हम लोग इधर सिटी साइड जा रहे हैं और ट्रैफिक देख रहे होंगे आप लोग एकदम अलग ही। भाई यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ये ड्रैगन कैसे घुस गए? और अभी हम लोग इधर सिटी में घूम रहे हैं हमारी स्प्लेंडर से। अगर KTM होती तो इधर घूमना मुश्किल हो जाता। और गाइस इधर भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि त्यौहार चल रहे हैं अभी। ये इतने ट्रैफिक में तो अपने KTM की बैंड बज जाती, क्यों बंद हो जाती है। और भाई अभी हम लोग जहाँ शॉपिंग करने गए थे वहीं पे हेलमेट भूल गए, तो अभी मैं यहाँ पे ये पॉलिटेक्निक चौराहे पे मैं रुक रहा हूँ, और भैया अभी अपने गए हैं वापस हेलमेट लेने जिस शॉप से हमने शॉपिंग करी थी वहाँ पर। और अभी अपन यहाँ पे वेट करते हैं भैया का, और यहाँ का ट्रैफिक देखते हुए इंजॉय करते हैं, नहीं तो बोर हो जाऊँगा मैं, क्योंकि भैया को अभी 15-20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि अभी जिधर साइड हम लोग गए थे उधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। और भाई मतलब कल जब हमारे यहाँ पे CM आए थे शिवराज सिंह चौहान जी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये शिवराज सिंह चौहान रहते कहाँ हैं, मुख्यमंत्री हमारे। तो गाइस ये जो हमारा पॉलिटेक्निक चौराहा है यहाँ से रास्ता गया है इधर अंदर साइड में जिधर हमारे शिवराज सिंह चौहान रहते हैं, और यहाँ से 800 मीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में उनका मतलब निवास स्थान है।
मुख्यमंत्री निवास हाउस मतलब सीएम हाउस। और अभी भैया आ गए थे तो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू मार्केट की ओर। और फ्रेंड्स फाइनली अभी हम लोग मनोज भैया के रूम पे आ गए थे और अभी हम लोग ये खिचड़ी और क्या है ये आलू टिक्की ये आलू टिक्की खा रहे हैं भैया और मैं दोनों। तो चलो गाइस अभी पहले खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और भाई अभी हम लोग यहाँ पे आगरा स्वीट्स एंड नमकीन वाली एक नाश्ता पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे अभी हम लोग पोहा खा रहे हैं। और अभी हमारे रूम पे आए थे ये रविंद्र भैया, बहुत दिन बाद मिले हमको, और उनके साथ एक अंकल आए हैं भैया। और अभी हम लोग पोहा खाते हैं, कल रात को आपसे बात नहीं कर पाया मैं। चलो भाई पहले अपन पोहा खाते फिर बात करते। तो भाई अभी हम लोग वापस आ चुके हैं रूम पर और मैंने नहा लिया है और अपने मनोज भैया ने भी नहा लिया है और वो देख रहे हैं बिग बॉस। और गाइज आज अपन अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू गाइज़।